गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 11, दैट इज लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन। इन द लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था कि लाइट क्या होता है। मैंने आपको बताया था द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी एन ऑब्जेक्ट us to see an object, ठीक है। कोई भी ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हम किसी चीज को देख सकते हैं वो क्या कहलाता है, लाइट कहलाता है। क्लियर है? लाइट के बारे में तो बात क्लियर ही हो गई कि ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो इनेबल करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा ये पॉइंट था कि हमने ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। ऑब्जेक्ट्स जो तीन तरह के होते थे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूशेंट और ओपेक। आज हम ये पढ़ेंगे बेटा कि बेसिकली ऑन द सोर्सेज ऑफ लाइट, लाइट के सोर्सेज पर ऑब्जेक्ट कितने तरह के हैं और उसके बाद ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूशेंट और ओपेक से उसका रिलेशन क्या है। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट केवल दो तरह के होते हैं। ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं? केवल दो तरह के होते हैं। एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक तो क्या हो गया, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया, और दूसरा क्या हो गया, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो जब भी हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की सबसे पहले बात करेंगे कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो या जिसके पास अपनी खुद की लाइट होती है। मीन्स व्हाट, द ऑब्जेक्ट्स दैट हैव देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। व्हेन एवर वी विल टॉक अबाउट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वी विल से कि द ऑब्जेक्ट दैट हैव देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लेट अस सी हियर, those objects having their own light means what, कि वैसा कोई भी object जिसके पास अपनी खुद की light है वो क्या कहलाता है, luminous object कहलाता है। example के लिए मैं अगर आपको बताऊं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल क्या है तो हम कहेंगे सन। सबसे पहला जो एग्जाम्पल हमारे मन में आएगा वो सन ही है। उसके बाद ट्यूबलाइट, नहीं तीसरा बल्ब और एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट है। आप एक पल के लिए कह सकते हो सर, कई लोगों के मन में ये कंफ्यूजन हो जाता है सर बल्ब कैसे हो जाएगा, बल्ब तो इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है तो बल्ब के बारे में हम कैसे कहेंगे। तो बेटा अगर सन की ही हम बात कर लें तो हाइड्रोजन और हीलियम नाम की दो एलिमेंट से ही बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम नाम के दो एलिमेंट। तो कहीं ना कहीं सभी जो चीजें हैं जो ल्यूमिनस हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से बनी हुई है। तो इसमें ये नहीं कहना है कि ये कैसे हो जाएगा या वो कैसे हो जाएगा। ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि जितने भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं वो खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम टॉर्च की बात करेंगे, क्या टॉर्च किसी दूसरे के सहारे के लिए रुकता है? कभी नहीं रुकता। क्यों? क्योंकि वो खुद ही अपना लाइट प्रोड्यूस करता है। तो वैसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट खुद प्रोड्यूस करता हो उसको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ल्यूमिनस का मतलब होता है जिसके पास अपनी खुद की लाइट है। क्लियर है? अब दूसरा है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दोज ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट हैव देयर ऑन लाइट। वैसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में यह कहा जाता है कि वैसा ऑब्जेक्ट, कोई भी वैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, जैसे हम, जैसे वॉल, जैसे क्या कहते हैं, स्विचेस, स्विच बोर्ड्स, जैसे फैन। अब तो फैन में हालांकि लाइटिंग आ गई है,
कई सारे फैन ऐसे हैं जिनमें लाइट लगी होती है, लेकिन फिर भी जो नॉर्मली जो ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास हैं उनमें लगभग लगभग चीजों में जैसे डोर, विंडो, इन सब में लाइट नहीं होता है, वैसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, चाहे वो डोर है, विंडो है, बुक है, नोटबुक है, पेन है, पेंसिल है, हम है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास लाइट नहीं है खुद की, वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग की बात कर लो, वॉल नहीं, उसके बाद विंडो, डोर, ईटीसी। अब देखो बेटा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के पास तो खुद की लाइट है, अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के पास खुद की लाइट नहीं है, इसीलिए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो हमने कल पढ़ा था ना, वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का पार्ट है। ट्रांसपेरेंट, अब कैसे पार्ट है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। दूसरा है ट्रांसल्यूसेंट, और तीसरा है ओपेक। तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक, ये तीन ऑब्जेक्ट्स के टाइप हैं, ठीक है, जो कि किसके हैं, नॉन ल्यूमिनस के। अब ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट की बात करते हैं। मैंने एग्जांपल क्या दिया था, एयर। अब मुझे ये बताइए, क्या एयर के पास अपनी खुद की लाइट है? नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो किसका टाइप है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का। क्लियर हो गया? चूंकि एयर एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जो लाइट को पूरी तरह से पास करता है, इसका मतलब ये है कि उसके पास खुद की लाइट नहीं है। और हम देख भी सकते हैं, हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि अगर हम कांच को देखें या शीशा जिसको कहते हैं, मिरर वो, या फिर अगर हम बात करें ट्रांसल्यूसेंट, या फिर हम बात करें एयर की, तो एयर भी ट्रांसपेरेंट है। तो इन चीजों में हम ये देखते हैं कि इनके पास अपनी खुद की लाइट अवेलेबल नहीं है, और चूंकि जिसके पास लाइट नहीं है तो वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ये समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कैसे नॉन ल्यूमिनस का पार्ट है। दूसरी ओर आते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या दिया था, इसको मैंने क्या कहा था कि ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट दैट पार्शियली अलाउज द लाइट टू पास थ्रू देम, जो आधा अधूरा लाइट को पास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने पानी दिया होगा आपको, एग्जाम्पल वाटर, या फिर ग्लास की बात की होगी मैंने। तो इन दोनों को देख लीजिए, क्या इनके पास खुद की लाइट है? तो हमारा आंसर क्या होगा कि नहीं, डजेंट हैव देयर ओन लाइट, डोंट हैव देयर ओन लाइट, डोंट हैव देयर ओन लाइट। तो अपनी लाइट तो है ही नहीं इनके पास। चलो अगला क्या है, और जब अपनी लाइट नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो क्या है, नॉन ल्यूमिनस। आई होप क्लियर हो गया। और लास्टली बचा क्या है, ओपेक। ओपेक में आप किसी भी नोटबुक या बुक को ले लीजिए, जैसे ये एक बुक है, ये क्या है, ओपेक है। अगर मैं इसको अपने से चेहरे के आगे रख दूं तो आपको नहीं दिखाई देगा कुछ भी। अब मुझे ये बताइए, क्या इसमें खुद की लाइट है इसकी? नहीं है। तो वैसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है वो भी क्या हो जाएगा, नॉन ल्यूमिनस। तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक, ये तीनों किसके एग्जाम्पल हो गए बेटा, सॉरी किसके टाइप हो गए बेटा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के। उसी तरह अगर हम ल्यूमिनस पर आएंगे तो ल्यूमिनस में कोई डिफरेंस कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है डिफरेंस? क्योंकि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट है, तो किसी दूसरे टाइप में क्लासिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है? हमने ये देख लिया कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ये दो तरह के ऑब्जेक्ट हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में ये कहा जाता है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जिसके पास अपनी खुद की लाइट है, जबकि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है। नॉन ल्यूमिनस के तीन टाइप, पहला ट्रांसपेरेंट, दूसरा ट्रांसल्यूसेंट और तीसरा क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ये भी एक अच्छा पॉइंट है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट अगर होता है बेटा कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है, अगर हम लाइट के बारे में कहते हैं कि इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी एन ऑब्जेक्ट,
लाइट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, दैट इनेबल्स अस टू सी एन ऑब्जेक्ट, जो क्या करता है हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने की शक्ति प्रदान करता है। तो कहीं ना कहीं इसके कुछ ना कुछ गुण होंगे, प्रॉपर्टी होगी इसकी कुछ ना कुछ, तो हम क्या कहेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ जब भी हम लाइट की बात करेंगे तो हम कहेंगे क्या कि लाइट हमेशा ही स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। जब भी लाइट ट्रेवल करता है कैसे ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है। और लाइट की इसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो यहां तो मैं ऊपर ही कह रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इसका दूसरा नाम क्या है साइंटिफिक, अगर हम डेफिनेशन में बात करें तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन का मतलब होता है ट्रेवल करना। अब आपके मन में ये होगा कि सर ऐसा कहाँ होता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, अगर बल्ब इधर की ओर चल रही है तो हमें इधर भी दिखाई देता है, आगे भी दिखाई देता है, और अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो भी हमें दिखाई देता है, तो कहां से हम लाइट को स्ट्रेट लाइन में मान। तो वो बेटा फेनोमेना हम पढ़ेंगे कि लाइट फैल कैसे जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। जैसे देखिए ये कार्डबोर्ड की शीट है, ठीक है, तीन कार्डबोर्ड की शीट है, ठीक है। अब यहां पर होल कर दिया सभी ने, कर दिया होल। अब क्या है कि यहां पर रख दिया कैंडल, ठीक है, और यहां से कोई देख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये इस तरह से जाएगा, दिख जाएगा इसको, नहीं दिख जाएगा, तो आपको ये भी दिख रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, नहीं। इसमें हम क्या लिखेंगे कि ऑब्जर्वर कैन सी द लाइट, ऑब्जर्वर कैन सी द लाइट। चलो ठीक है, अब दूसरा ये केस वन है, केस फर्स्ट है, केस टू में देखो फिर यहां पर हमने क्या किया, तीन कार्डबोर्ड बनाए या तीन कार्डबोर्ड एक लाइन में रखा, ठीक है, एक में यहां होल कर दिया, दूसरे में यहां, और तीसरे में फिर कर दिया यहीं पर। अब यहां कैंडल रख दिया, क्या यहां पर ऑब्जर्वर जो है उसको दिखाई देगा, लाइट दिखेगा क्या उसको, तो हम क्या कहेंगे, नहीं। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट रास्ते में होल नहीं है, स्ट्रेट रास्ते में अगर होता तो दिख जाता, क्योंकि दूसरी जगह है तो ये नहीं दिखेगा। यहां हम क्या कह सकते हैं कि ऑब्जर्वर कैन नॉट सी द लाइट, ऑब्जर्वर कैन नॉट सी द लाइट, ठीक है बेटा, ऑब्जर्वर जो है वो लाइट को नहीं देख सकता। तो केस वन और केस टू क्लियर हो गया होगा। अब यहां तक आपको समझ आ गया कि भाई स्ट्रेट लाइन में अगर चीजें रहेंगी तो लाइट दिख जाएगा, नहीं रहेंगी तो नहीं दिखेगा। इसका दूसरा अच्छा एग्जांपल मैं क्या कह सकता हूं,
कि चलो ये तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा कि सर ने क्या कर दिया नहीं कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल बहुत आसान है, एक छोटा सा हॉलो पाइप लो, हॉलो पाइप मतलब जो दोनों तरफ से खाली होता है, ठीक है। यहाँ एक कैंडल रखो, अब मुझे ये बताओ कि यहां से कोई देखेगा तो दिखेगा उसको? हम कहेंगे यस, द ऑब्जर्वर कैन सी द कैंडल, सी द लाइट ऑफ कैंडल, मान लो। अब इसी पाइप को हमने क्या कर दिया, टेढ़ा कर दिया, नहीं इसी पाइप को हमने क्या कर दिया, टेढ़ा कर दिया, यहां रख दिया कैंडल और यहां ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला होता है, तो क्या उसको दिखेगा लाइट? नहीं, उसको तो ये वाला पोर्शन दिखेगा, यहां अगर मिरर लगा देंगे तो दिख जाएगा, लेकिन मिरर अगर नहीं लगाएंगे तो वो नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि लाइट स्ट्रेटली ट्रेवल करेगी और स्ट्रेटली यहीं तक जाएगी, नहीं तो कहीं ना कहीं लाइट नहीं दिखेगा। मीन्स व्हाट? कि ऑब्जर्वर कैन नॉट सी द लाइट, ऑब्जर्वर कैन नॉट सी द लाइट। दिस प्रूव्स दैट दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। कैसे पता लगेगा कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन? तो हमारा सीधा सीधा कहना होगा कि देखिए ऐसा है कि जब ये हॉलो पाइप सीधा था तो आंखों से सीधा सीधा दिख रहा था, लेकिन जैसे ही हमने इसको टेढ़ा कर दिया, सीधे से कोई भी अलग पाथ कर दिया, तो लाइट नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या होता है कि लाइट हमेशा ही जब भी ट्रैवल करेगा तो लाइट कैसे ट्रैवल करेगा? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। आई होप ये क्लियर है। केस वन होगा ये और ये होगा केस टू। आई होप क्लियर है। आज के लिए इतना ही बेटा, इसको बहुत ध्यान से देखिए और समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इससे आगे पढ़ेंगे और शायद ये चैप्टर अगले क्लास में कंक्लूड भी हो जाए। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।